एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आगे का व्लॉग अभी ज्योति कंप्लीट कर रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, होप यू हैव मिस्ड मी। एक्चुअली टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि कल हमारे स्टार का बर्थडे है और ये हमें पीछे पड़ा हुआ है। मेरे बर्थडे की शॉपिंग कराओ, बर्थडे की शॉपिंग कराओ गाइज। मतलब वी वर एक्सट्रीमली बिजी, हम लोगों के पास इतना काम था और सुबह से लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ था, चल ले बहन देख रहा खाली नहीं बैठे थे, ऑफिस का काम कर रही थी। मैंने छुड़वा के मेरे से कि नहीं दीदी प्लीज चल प्लीज, हाथ पैर गाइस मेरे पैरों पे पड़ गया ये। हाँ, मेरे पैरों पे पड़ गया, प्लीज चल ले, तेरी चॉइस के मैं कपड़े लेता हूँ तुझे पता है। तो इसीलिए गाइस, जब भी आपको इसका ड्रेसअप अच्छा लगे, इसके लुक्स अच्छे लगे, तो ऑल क्रेडिट गोज टू ज्योति। यस, एंड अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, देखते हैं। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि 7 बजे यहाँ पे सब बंद हो जाता है और इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। तो कल पार्टी के लिए हमने यॉट बुक करी है। yes. तो कल यॉट पार्टी है मेरे बर्थडे पे, तो अब कल का ये वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आप सबकी वजह से ये प्लान किया है इसने यॉट के लिए, ये अपने बर्थडे के लिए नहीं कर रहा है, ये आप सबके लिए कर रहा है, क्योंकि आप सबको कुछ नया दिखा सके, आप सबको कुछ क्योंकि देखो रेस्टोरेंट पार्टी या फिर हम लोग आउटिंग के लिए जाते रहते हैं, तो इस बार ही सोचा कि कुछ डिफरेंट आप लोगों को दिखाया जाए। काफी टाइम भी हो गया था, मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था आप लोगों को यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ सरप्राइज के साथ ही कंटेंट लेके आऊं। यस, तो काफी मजा आने वाला है, व्लॉग में एंड तक रहना, बहुत अच्छा व्लॉग होगा। अभी तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, वो भी रास्ते में दिखाते हैं आपको, शॉपिंग करूंगा वो भी दिखाऊंगा क्या लिया मैंने कल के लिए, क्या पहनूंगा पहले। लेकिन ये हमें ट्रीट देगा, मेरे को, मेरी छोटी बहन को जो कि अभी सोई पड़ी है। तो हमने इसको बोला है कि शॉपिंग हम तेरे को तब लेके जाएंगे, पहले तो हमें ट्रीट देगा। और सोनी की डिमांड डालेगा, सोनी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सोनी ने पहले बोला कॉफी, फिर बोला मौका आइस कैप, अभी मैंगो चिल्स पे पहुंच चुकी है। शक्ल देखो, ये मूंग और मसूर की दाल, मूंग और मसूर की दाल कर रही है तुझे। गाइस अगर हंसी नहीं आई हो ना, नहीं तो प्लीज ये लिख देना कि आगे से व्लॉगिंग मत करना। अरे काट देना, तेरे घर से जल्दी निकाल, मैं अपना कार्ड ही नहीं लाई आज। मैं अपना कार्ड ही, देखो दोस्तों, ये देखो मेरे साथ क्या होता है, मेरे को जबरदस्ती शॉपिंग पे लाया जाता है, मेरे पैसे खर्च कराए जाते हैं, मेरे से बिलिंग होती है। ये बहुत तेज है, लाई नहीं आज कार्ड। और शॉपिंग की फोन ले, फोन तेरा फोन का, मेरे फोन से वीडियो बन रही है, मेरे फोन से वीडियो बन रही है। नहीं 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 नहीं, मैं फोन भूल गई भाई अपना, आज डबल टैप का, डबल टैप। नहीं 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 नहीं, कुछ तो शर्म कर लो, ले देखो पिला देता हूँ तुझे भी, क्या याद रखेगी। ओहो, पिला देता हूँ, मिल रही है ना, बैठे बैठे। तो अच्छा दोस्तों, इस शॉपिंग की भी अपनी आप में एक स्टोरी है, वो जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। पिछले 2 वीक से हम इसके साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, और हर बार ये शॉपिंग करता है और फिर बोलता है कि ये मेरे बर्थडे की शॉपिंग है, लेकिन वो इसके बर्थडे की शॉपिंग नहीं होती, वो अगले दिन पहन के खड़े हो जाता है वो कपड़े। ये कपड़े भी इसके हमने इसके बर्थडे के लिए लिए थे, शक्ल दिखा अपनी, तेरे बर्थडे के थे नहीं कपड़े, और इसने पहन लिए। तो ये हर रोज अगली शॉपिंग पे वो सेम कपड़े पहन के जा रहा होता है जो हमने पिछली शॉपिंग पे खरीदे होते हैं, तो हम ऐसे कैसे इसकी बर्थडे की शॉपिंग करवा पाएंगे यार। वो रुका नहीं जाता ना, इसने बहुत जल्दी दिलवा दिए कपड़े, बहुत जल्दी दिलवा दिए, और इसने मुझे बहुत लूटा है दोस्तों। लूटा? इसने न्यू बैलेंस के जूते मेरे से निकलवाए जबरदस्ती, वो भी मैंने दिलवाए, वो तो भाई का फर्ज होता है। हाँ, मुझे लेके जाते हो, झूठ मत बोल, परेशान कर दिया मेरे को इन्होंने यार। हर बारी देखो अपने बर्थडे तक के, ये मुझसे दो बार लोगों को यकीन हो जाए। हाँ, ऐसी नहीं, झूठी झूठी अपने बर्थडे की मुझसे मुझे भी। तो दोस्तों खोखर्स की ये बात है कि बेशक बात बुरी लग जाए पर सच बोलेंगे। ये अपने बर्थडे के 2 गिफ्ट्स तो मुझसे ले चुका है। एक बार हम लोग गए मैकार्थर आउटलेट और वहाँ पे इसने एमके के शूज लिए, ये बोलकर मुझसे कि दीदी ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने भी सोचा चलो छोटा भाई है ले देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम मुझे लेके गए डाउन टाउन, कहता यार न्यू बैलेंस के शूज बहुत चल रहे हैं, न्यू बैलेंस के शूज बहुत चल रहे हैं। मैं ले रही थी अपने लिए 327 आर्टिकल, जो कि बहुत पॉपुलर आर्टिकल है। बताना जरूरी नहीं, आर्टिकल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने फिर वो 2 खरीदे हैं एक ना करके। ये वो मैंने अपने उससे खरीदे हैं तो अच्छा, अपने एक, उससे एक तूने दिलवाया, एक मैंने। हाँ, तो मेरे से ही झूठ बोल रहे हैं, मेरे से तो ये स्टेटमेंट मांग रहा है, झूठी।
मेरे से अलग लिए होंगे, मैं से दो कोच के दिलवाए इसको। तो तूने कोच के दिलवाए ना, मैंने मैंने एम क्यू और न्यू बैलेंस के दिलाए। शूज अब बहुत सारे हो गए बढ़िया बढ़िया, अब शूज नहीं चाहिए। मैंने कहा शूज तो दिलवा दिए, अब तुम कपड़े दिलवा दो। कपड़े भी हम दो बार इसको दिलवा चुके हैं, लेकिन कपड़े पहन के बैठ जाता है ऐसे, जो कि अभी पहन के बैठा हुआ है। तो अब कल क्योंकि यॉट पे जा रहे हैं तो वो उसके लिए शॉपिंग करनी है हम लोगों को। देखते हैं हम इसकी शॉपिंग है तो बहाना है, अब हम अपने लिए कुछ लेके आएंगे दोस्तों। आज हम इसको बताते हैं, आज हम इसके साथ टिक फॉर टैग करेंगे, ड्रेस कोड डिसाइड करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग व्हाइट पहनेंगे। यस, व्हाइट जो हमारे पास है वो हमने पहना हुआ है। तो हम लोग आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ मैं, अगर ये मेरे को कोई $100 की चीज दिलवाते हैं ना तो मेरे से 150 निकलवाते हैं, बस इस बात को ध्यान में रखो। मतलब तो यार मेरे को एक बात बतानी थी आप लोगों से, बार बार कट कर दे रही है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे से अगर ये मेरे को अगर $100 का गिफ्ट दे रहे हैं ना ये, तो कम से कम मिनिमम 200 का रिटर्न लेते हैं इनसे। ये बात मतलब ये कसम कसम खिलवा दो, हर बार नहीं, हाँ लेते हैं बट कभी 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 ओकेशनली, कोई कोई ओकेशनली नहीं। राखी पे, रक्षाबंधन पे, और रक्षाबंधन अरे सॉरी भाई, वो भी इनका पेंडिंग है, वो भी इनको मिलेगा। राखी का पेंडिंग है यार, क्योंकि ना राखी इस बार हम अच्छे से सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पाए थे कि रीना चली गई थी इंडिया, तो फिर हमें ये हुआ कि उस वक्त हम ट्रॉमा में थे क्योंकि मम्मा पापा भी वापस हाँ, चले गए, मम्मी पापा भी चले गए थे। तो मतलब तो वो हमारा मन नहीं था ऐसा सेलिब्रेट करने का, आपने देखा भी होगा इसीलिए हमने कोई पोस्टिंग भी नहीं करी थी, क्योंकि रीना इंडिया चली गई है परमानेंट। आपको बता देते हैं वो थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी उसकी, इस वजह से तो वो इंडिया चली गई है परमानेंट अब रीना। तो हम उसको मिस कर रहे हैं, वरना वो भी हमारे साथ बैठी होती है पीछे। अभी वो चौथी पीछे चौथी सीट पे वही बैठी होती, आई थिंक हम भाई को उसने भी दिलाई दिया होता। और साथ में होते राहुल जी, जो भी साथ में होते। हाँ, राहुल हमारा हमेशा साथ ही होता है, घूमना बहुत पसंद था। हमारी पांचवी बहन थी सही में, ही यूज्ड टू एंजॉय विद अस, बट अभी वी आर मिसिंग हिम। Yeah, तोते को भी थोड़ा सा मिस कर ही लेते हैं। ये तोता बोल रही है रीना को, रीना का नाम ना तोता बोलते थे और हम उसे हमेशा बोलते थे। राजस्थान में उड़ा हुआ है घूमने वो घूमने गई है ऑफिस के ट्रिप में। हम लोग उसे हमेशा बोलते थे वो फ्लाई करेगा, वो फ्लाई करेगा, वो तोता उड़ गया, तोता उड़ गया। आज तोते ने सच में उड़ के दिखा दिया और वो कनाडा से उड़ गया। एक्टिंग देखो इसकी, इसका वैसे स्टार प्लस में हो सकता है, कभी सास भी बहू दी में तुरंत आंसू निकाल देगी गाइस। ये जो सॉन्ग है ना अपने, मेरे भाई की शादी है 16 नवंबर की और मैं इंडिया आ रहा हूँ नवंबर में, और तब ये सॉन्ग की ऐसी यही बजेगा ऑन रिपीट। और जो जो लिरिक्स इसके है ना वो सब फुलफिल करूंगा उस वीडियो में, जो जो लिरिक्स बोलेगी ना ये सब। और ज्योति को साथ में ले जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा जबरदस्ती, ये मना कर दिया मैं छोटा हूँ, मेरी नहीं, एक हमारा भाई है, मेरे से बड़ा भाई है, वो मेरा भाई है एक्चुअली, मेरे हिस्से वाला भाई है, उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी में जाना बनता है। मैं पूरा पूरा ट्राई कर रही हूँ दोस्तों कि मैं पहुंचूं, और वैसे मुझे हरियाणा गाने उतने पसंद नहीं है, बचपन में कैसे डांस करती, जिसने खेती बाड़ी बेच के पीली शराब, उसकी अकल खराब। हरियाणवी गानों में अलग ही वाइब है यार, अलग वाइब है हरियाणा दोस्तों। मुझे भी हरियाणा मतलब गाइस आई एम प्राउड टू बी हरियाणवी, नहीं नहीं आई एम प्राउड टू बी, तो तक टुंडल चुप, गाना सुनती है नहीं, गाने सुनने से क्या होता, गाने सुनने से फील आती है, नहीं गाने सुनने से नहीं होता, पाजी होता है कि हम हरियाणा से हैं, हमें इस चीज पे गर्व है। हाँ हम हैं हरियाणा बहुत ज्यादा, इन नेता बोलने भी को नहीं आती, हमें हरियाणवी लोग मिलते हैं ना हम उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं। हाँ ये बस बोलने जितना हो सके उतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यार यही होता है आपस में एक दूसरे का सपोर्ट, बाहर देश में मिल जाए किसी को तो बहुत बड़ी बात होती है। इन्हें कुछ बोलना भी नाम था, ये नाम के हरियाणवी है, हरियाणवी हमने बोलनी आवा है। ये देखो तो यार अभी कर ली हमने शॉपिंग डन, सिर्फ इन दोनों ने एक एक चीज खरीदी, मेरा कुछ भी नहीं आया, चीज नहीं खरीदी गाइस, झूठ बोल रहा है ये। सोनी ने तो खरीदी है, सोनी ने खरीदी है, मेरा कुछ भी नहीं आया, ये कभी बाद में कहे। सो हो गई शॉपिंग डन, अभी हम जा रहे हैं घर पे और रात को करेंगे सेलिब्रेट, और बाकी जो आपको 12 बजे जो मेन पार्टी है वो है कल। सो कल मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस, हैप्पी बर्थडे।
वेलकम बैक एवरीवन। सो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट पार्टी में, बोट पार्टी नहीं यॉट पार्टी में, मतलब यॉट बुक की हुई हमने, जैसे हमने आपको कल बताया था। तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं, ये जीजू एकदम रेडी है हमारे, बिल्कुल देखो सेम गॉगल्स हैं। ये पीछे ज्योति है और ये सोनी। अभी हम थोड़ा शैम्पी भाई का पीछा कर रहे हैं, शैम्पी का, अभी हम लोग शैम्पी का पीछा कर रहे हैं क्योंकि ना हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से बहुत डिले चल रहे हैं, लाइक 15 मिनट्स कम से कम हम डिले चल रहे हैं। एंड क्योंकि जैसे कि हमारे घर में परंपरा है सब कुछ लेट लेट करने की, ज्योति को भी लेट करते लास्ट मोमेंट पे। अच्छा सुपर स्टोर किसने जाना पड़ा, सुपर स्टोर जाना पड़ा ना लास्ट मोमेंट पे, वो हमारे बात पहले से निकलने की हो रही थी, बात ये हो रही थी कि लेट किस वजह से हुए। तो गाइस हमारे पास एक बंदा है जो कि कभी टाइम से तैयार नहीं हो सकता, उसकी तरफ दिखाया जाएगा गाइस। उसकी तरफ भी दिखा दिया मैंने। नहीं दोस्तों यार हमारी क्योंकि काम सारे मुझे करना होते हैं ना, सारे काम जैसे कि कौन से काम, जैसे कि सुपर स्टोर से चिप्स लेने, एटीएम से कैश निकलवाना, कैश निकलवाना दोस्तों, वो भी मैंने लिया है। तो आप ये चीज इनकी बातों में बताना क्योंकि सारे काम घर के ज्योति ही करती है। ये तो सारे शक्ल दिखाने वाले हैं, बस इनकी शक्ल देखो, बस काम देखो, ये हाथ करते है काम। सबसे बड़ा जो काम चोर है उसकी शक्ल दिखाता हूँ आपको, है ना, कट कर दियो। ये तो सब गवाही देंगे, ये तो सबसे बड़ी काम चोर। नहीं, तो देखो ये रही शैम्पी भाई की गाड़ी, वो गैरी गैरी के जिस पे लिखा है। ये हमसे बोल रहे थे कि हमसे आधे घंटे पहले निकल चुके हैं, पर इनका हमने झूठ पकड़ लिया। देखो ये रहे, वो गैरी के दिख रहा होगा आपको सामने। तो यार हम सारे ही लेट हो गए हैं, कुल मिला के बात ये है क्योंकि हमें 4:45 पे वहाँ पहुँचना था। मुझे दिखने दे ही नहीं बीच में, मुझे नहीं दिखने दूंगी। क्यों देख ले इसको भी पीछे। तो यार हमें पहुँचना था 4:45 पे, बट हम वहाँ क्योंकि हमें पहले स्मॉल बोट से वो हमारी यॉट पे लेके जाएंगे। क्लाउडी था लेकिन अब जब हमें यॉट पे जाना है। ये तो मैंने सुबह पहले ही कहा था, मैसेज भेजा था मैंने। सही हो गया, बहुत अच्छा वेदर हो गया, सनी हो गया। सोच रहे थे जैकेट्स रख लेते हैं बच्चों के लिए, ये रख लेते हैं वो रख लेते हैं। प्रेडिक्शन तो ये दिखा रहा था कि मतलब क्लाउडी ही रहेगा पूरा एंड तक। और अभी हमारा अराइवल देखो 4:58 का है। तो यार हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेट हो चुके हैं क्योंकि वो हमें पहले स्मॉल बोट से एक अपनी हमारी यॉट पे लेके जाएंगे, तो वो डिस्टेंस भी उनको करना होता है कवर। ट्रेनिंग देंगे, हाँ नहीं बहन हमें भी मिलेगी, तो मैं कैसे तो चलो मिलते हैं यॉट पे बहुत जल्दी। सो अब हम लोग आ चुके हैं स्मॉल बोट में, अब यहाँ से ये हमें लेके जा रही है हमारी यॉट पे। तो जैसे कि हम लोग इन टोटल 15 मेंबर्स थे, तो 7 फर्स्ट राउंड में आए हैं अभी और 8 सेकंड राउंड में आएंगे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यू तो, और वेदर ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, आज सनी डे हो गया है। सो आप देख सकते हो काफ़ी मज़ा आने वाला है व्लॉग में, एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखना। आगे दिखाता हूँ आपको भी यॉट। सो यार हम लोग आ चुके हैं अपनी यॉट पे, और अभी हमें एक स्मॉल बोट हमें यहाँ पे छोड़ के गई है, वो सेकंड राउंड करने गई है अनीश भैया जीजू औरों को लेने। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देखो ये हमारी यॉट है।
सो यार मैंने अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए क्योंकि मैंने सोचा यार जब यॉट बुक करी है तो अच्छे से मतलब क्लोथ्स लेके चलते हैं ना। सो इसलिए मैंने सेकंड आउटफिट अपना पहन लिया है और अब और फोटोज़ करवाते हैं क्लिक। केक मैंने कट कर लिया, अब आप लोगों को देख सकते हो आप वीडियोस में, बट अभी ये सेकंड आउटफिट में वीडियो बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब करनी चाहिए बुकिंग, अगर इफ़ यू हैव फ्रेंड्स देन यू शुड बुक योर फॉर श्योर। आप देखो बलून्स हैं, वो सब आगे इधर फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। ये अगर ये बोट भी अगर इसमें किसी को जाना है तो एक्स्ट्रा। And then we had pizza before. So यार अभी मेरे माइंड में एक बात आई कि मेरी बहन मेरे से पूछ रही थी कि यार तेरा बर्थडे है और तुझे आज पार्टी भी देनी होगी अपने दोस्तों को जो इंडिया में। मैंने सोचा हाँ यार पार्टी तो देनी है, बट मेरे को याद आया कि यहाँ पे तो UPI चलता ही नहीं है। फिर मैंने रिसर्च करी और मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में पता लगा जिसका नाम है PayPenny। बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है, कोई भी UK में बैठा हो या कनाडा में बैठा हो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका जो ट्रांजैक्शन रेट है वो गूगल से भी ज़्यादा अच्छा है, और सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, और कस्टमर केयर सपोर्ट जो है इसका वो 24/7 अवेलेबल है। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन में इशू होता है तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, यूज़ करो। मैं कर रहा हूँ यूज़, मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ ये अपना थॉट। टेक केयर। और ये जो हमारा व्यू है ये ड्रोन से था, ये ना थोड़ा सा दूर से व्यू ले लिया उन्होंने, हमने कहा था कि थोड़ा पास से लेना बट इट्स ओके। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है वैसे, मैं तो दिख ही रहूँगा ना आप लोगों को, ध्यान से देखना। Thank you. Hi everyone, like you all know, we all came for yacht party and she's our captain Oriana, and we had an amazing experience. Thank you for the wonderful experience, we really enjoyed it. Wonderful. Would you like to talk about your boat something? Yeah, absolutely. Um, so my name is Oriana, I've been a commercial captain for 10 years now. This is the Oriana. I actually have two boats. So this is the Oriana and the Mystic Voyager is right there. Two different vibes. One is a bit more chic. The other is a bit more boho. I decorated both. It's an absolute privilege being a captain. I love hosting and I love meeting people. So but you So that's all about my birthday vlog. I hope aap logo ko acha laga hoga. Aur acha lage to please a comment zarur chhodna ki aap logo ko कैसी वीडियो चाहिए अगली। मैं सोच रहा हूँ पर्सनली कि अगला क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड राउंड वाली भी मतलब सेकंड पार्ट बनाते हैं। बाकी आप सब बताना और हर एक बंदा एक कमेंट छोड़ के जाना, इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं एक्टिव रहूँगा बहुत ज़्यादा। सो सी यू नेक्स्ट वीक होपफुली। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ब्लॉग कैसा रहा, शेयर करना जितना हो सके। टेक केयर।